चांद केस में एक बहुत ही मुहिम जो चल रहा है पूरे देश भर में, उसको कम नहीं होने देना है। और आज मैंने कुछ ट्वीट्स किए हैं जिसमें मैंने ये बोला है कि ये जो मुहिम हमारा है ये अब पूरे देश के प्रत्येक शहर में चलेगा। सिर्फ आप लोग अपने अपने शहर की जिम्मेवारी लीजिए, अपने अपने शहर में 20-25 लोगों की टीम बनाइए। अपने अपने शहर में अगर आपने 20-25 लोगों की टीम बना दी और उसके बाद हम एक कोई भी प्रोटेस्ट का आयोजन करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक है कि 200-400 लोग आ जाते हैं, जिसका प्रयोग हमने किया और वो सफल रहा है। हमें ये बिल्कुल ही मान के नहीं चलना है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अपनी आवाज़ को अगर बुलंद नहीं रखेंगे, हम अगर अपनी आवाज़ को मजबूती से नहीं रखेंगे, तो जो भी एजेंसियां हैं वो ये सोचेंगे कि अब सुशांत के फैंस तो अब घर बैठ गए हैं, अब ये कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो फिर उसमें सब लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आवाज़ को और मजबूत कीजिए। कोविड का सिचुएशन है, कोविड के नियमों का पालन करते हुए भी पुलिस से परमिशन मिल रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, और पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हम अपनी आवाज़ को प्रोटेस्ट के माध्यम से बुलंद करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे शहरों में प्रोटेस्ट किया घूम घूम के, आपको आप लोगों ने देखा होगा, कोलकाता में 3 बार हो गया, उसके बाद गुवाहाटी है, हैदराबाद है, पटना है, बनारस है, दिल्ली में कई बार है। तो अब उन शहरों की भी बारी है जहाँ जहाँ से प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे शहर में भी प्रोटेस्ट कीजिए। आज इसी के तहत आज मैंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें मैंने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी डाला है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने शहर का जिम्मा लीजिए, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया, आप ये सोचते हैं कि इसमें अब जो होना है देखा जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अपने शहर में 20 लोगों को इकट्ठा कीजिए, बाकी का काम तो 20 के जगह पे 200 लोग हम लेके आएंगे। बस 20 लोगों की टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, उनके साथ कनेक्ट होइए, डेट फिक्स कीजिए। पुलिस परमिशन के बारे में मैं बताऊंगा आपको सारे चीज़ों के, कैसे प्रोटेस्ट को करना है उसके बारे में मैं गाइड करूँगा। मेरे टच में रहिए, और मैं फिर मेरा ये मानना है कि जब तक देश के प्रत्येक शहर से आवाज़ नहीं उठेगी, न्याय की लड़ाई अधूरी है, और देश के प्रत्येक शहर से लड़ाई को जारी रखने की ज़रूरत है। तो इसमें आप थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिए। अगर आप अकेले ही मेरी बात को सुन रहे हैं तो अकेले ही आप तैयार हो जाइए, टेलीग्राम के ग्रुप बनाइए या व्हाट्सएप, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ ग्रुप बनाइए, और अपने शहर के जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं 20-25 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, और फिर उसके बाद तैयारी करते हैं ग्राउंड प्रोटेस्ट की। हर शहर में करना बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद।